हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज वंदा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे है मेरे पास द मॉम्स को का एक नेचुरल हेयर ऑयल जो कि मैंने लिया है रावर के लिए। मैं इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ डेफिनेटली फ्यूचर में शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, पहले मैं आपको इसका ये बॉक्स दिखा देती हूँ। बॉक्स पर यहाँ पर मैंशन है फॉर बेबीज द मॉम्स को, उसके बाद लिखा है लव विदाउट कॉम्प्रोमाइज़, उसके बाद यहाँ पे है नेचुरल हेयर ऑयल विद अर्गन मोरूला एंड ऑर्गेनिक आमला ऑयल्स, यहाँ पर लिखा है नरिशेस एंड हेल्प्स हेयर ग्रोथ, उसके बाद गाइस इसकी है क्वांटिटी जो कि है 200 ml। और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है ये रहा 495, अराउंड 500 rupees, मतलब इसका प्राइस है। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है। यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज़, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन योर पाम एंड मसाज लाइटली ऑन बेबी स्कैल्प। ठीक है, आपको कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ पर लेने हैं और उसके साथ बच्चे के स्कैल्प पे अच्छे से इसकी मसाज करनी है। और गाइज, यहाँ पे मेंशन है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल ऑयल्स पीरियड्स आफ्टर ओपनिंग। जब आपने इसकी बॉटल को ओपन कर लिया उसके बाद आपको 6 मंथ में इसे ख़त्म करना है। अदरवाइज इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है, ये देखिए, 2022 से 2024 तक रख सकते हैं। चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉटल देखते हैं कैसी है। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं ये है वाइट कलर की इसकी बॉटल और यहाँ पर देखते हैं क्या मेंशन है। व्हाट वी पुट इन, ओके, जो जो इसके अंदर है जैसे कि आर्गन ऑयल है, ऑर्गेनिक आमला, भृंगराज, एवोकाडो ऑयल एंड मरूला ऑयल, ये सब क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। व्हाट वी कीप आउट, नेचर इन टॉक्सिन्स आउट, उसके बाद है हार्मफुल केमिकल्स फ्री, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, पैराबेन फ्री है, SLS एंड SLES फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह और ये सब है। और अभी मैं अपने पाम पर ऑयल आपको डालकर भी दिखा देती हूँ कि टेक्सचर कैसा है इसका। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट कलर में है ये ऑयल और काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है इसका फॉर्मूला मुझे। बाकी मैं जरावर के लिए इसे यूज़ करूँगी और उसके बाद इसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि यूज़ करने के बाद जो जो इन्होंने मेंशन किया है वो सब ये करता है या नहीं करता है। जैसे कि ये सब मेंशन है कि ये हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, ड्राइनेस ख़त्म करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और हेयर को नरिश करता है, ये सब ये करता है या नहीं वो तो इसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। और गाइज, इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो इसमें से माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है। और गाइज, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि काफ़ी अच्छा हेयर मसाज ऑयल है तो मैंने इसे बाय कर लिया। बाकी रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं इसके, अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। और मैं आपको बता दूँ कि इस ब्रांड का ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने जरावर के लिए लिया है। इससे पहले मैंने इस ब्रांड का कुछ भी जरावर के लिए यूज़ नहीं किया। एनीवे गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट जरूर करना है और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।